हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। वी हैव सम इंटरेस्टिंग क्रिसमैन को सीरियस न्यूज। सो गाइस, आज हम चैलेंज का डे 72 एंड अपनी न्यूज़ पे वापस आते हैं। तो गाइस, रिसेंटली मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि अभी गेमिंग इंडस्ट्री में कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, ट्विटर पर कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है एंड पास में जो कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी उसके ऊपर फ्लैशबैक चल रहे हैं। तो सबसे पहले न्यू भाई ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट पास आउट करी थी कि वो सोल में कभी ज्वाइन नहीं करेंगे और उनको सोल से ऑफर भी नहीं आएगा, क्योंकि अभी जब उन्होंने गॉडलाइक को लीव किया था। एंड इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करते हुए गोल्डी भाई ने कुछ अपना ओपिनियन शेयर करे, बिकॉज जब वो लाइव आए थे तो चैट में स्पैम हो रहा था। एंड इस चीज़ के ऊपर रैगल टॉस ने भी रिप्लाई दिया एंड दोनों का कॉन्वर्सेशन कुछ ये थी। वो ऐसे सोल में कभी नहीं आएगा, हम कौन सा लिए बैठे भाई, ये हेट फैलाने वाले आधी चीजें बोल के कंट्रोवर्सी कराते हैं। न्यू सेट की वो लोग लेंगे भी नहीं, बट ये साले आधी बात। तो भाई तब बोला करो जब ये बातें बोल रहे होते हैं चैट में, ये उसके बाद बोलने के बाद तीन चार लोग स्पैम करते हैं, तब बोला करो जो स्पैम हो रहा होता है। सेम होता है जब हेट मिल जाए ना, तब फिर हम कुछ बोलते तो हर स्पैम होता है भाई। जैसे उसको वो यहां आ रहा है, हम भी कौन सा ले रहे हैं भाई, बात तो वही रहा। ऋषभ भाई 429 वही नहीं, वो समझने वाले समझ गए। इतना स्पैम दे भाई, वो जहां भी जाए उसको ऑल द बेस्ट भाई। सिचुएशन ऐसी सिचुएशन में तो बिल्कुल तू ना मानता है, तू है बेशर्म आदमी। जो अपने लोएस्ट फेस में है लाइफ में थोड़ा मुसीबत होता है उस टाइम, तो हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल ही चीजों को। वेल गाइस, गोल्डी भाई ने सारी चीज़ें क्लियर कर दी एंड रिसेंटली मैंने कल आपको ये बताया था कि मायावी ने उनके जो पास में चीज़ें हुई थी उनके साथ और उन्होंने जो भी स्टेटमेंट पास आउट करी थी, तो उस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करते हुए स्नेहल ओपी ने भी अपना रिएक्शन शेयर करा एंड उनका पॉइंट भी कुछ ये था। तो याद होगा अगर मैंने तो एक स्ट्रीम जो स्टार्ट करी थी देखने के लिए कि चल क्या रहा है, BGIS के टाइम पे ही मायावी के ऊपर स्ट्रीम करी थी और हम लोग बात कर, उसमें अचानक से वो मेरा मार वाला सीन निकल के आ गया था और फिर देखो कि और भाई ये क्या सीन है। आगे की बात तब बिगड़ी जब मायावी ने स्ट्रीम के टाइम पे ही वो स्टोरी लगा दी थी और स्टोरी में सीधा सीधा क्या लिखा था, इफ यू वांट मी टू रिएक्ट देन आई डोंट गिव अ, और भयंकर चीज़ें चल रही थी। डिवाइस चेकिंग में रिसेंटली डिलीटेड निकला, लाइव बैन, दो बंदे खा गए, उससे ज़्यादा क्या चाहिए है किसी इंसान के लिए, किसी टीम को गलत प्रूव करने के लिए कि वो गलत खेल रहे थे। इस वजह से मैंने परस्यू भी करा, प्लस सामने से जैसा रिएक्शन अभी यहाँ पे मायावी ने दिया वहाँ से आता तो इतनी ना तो मैं वीडियो बनाता ना, इतनी चीज़ें शायद निकल के आती। बट वहाँ पे इनके एंड से ये वाली बात रह गई होगी कि टीम के साथ में नाम जुड़ा हुआ था, जो कि इन्होंने बोला भी कि इनकी गलती थी कि अपने एक इंडिविजुअल के नाम पे कभी भी टीम नहीं होनी चाहिए। सारा फोकस मायावी बिकॉज मायावी फेस बन गया उस चीज़ का। सबसे भी बड़ी गलती आपने जो लाइव स्ट्रीम पे आके बोला था ना, देखो इमीडिएटली जब एलिगेशन इमीडिएटली लग रहे होते हैं तब ज़्यादा बड़ी बात होती है। अब तो यार 7-8 महीने हो गए, उसके बाद में आके तुम बोलो या तुम्हारे प्लेयर्स बोले, बहुत आराम से तुम हर एक चीज़ का काउंटर कर सकते हो यार। 6-7 महीने बहुत लंबा टाइम होता है, उस टाइम पे आके तुम कुछ भी डिफेंस दे सकते हो आराम से। तो डिवाइस चेक करोगे उसमें भी क्या पकड़ा जाएगा, लास्ट 10 डेज की इन्फॉर्मेशन होती है, वो भी पकड़ा था, उसमें भी रिसेंटली डिलीटेड निकला था जब वो ग्रैनी वाला सीन आया था। उससे पहले डिवाइस जब चेक हुआ था तब 2-2 एप्लीकेशन निकली थी। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पाँच, पता नहीं कितनी चीज़ें निकल के आई जहाँ से भाई उनमें ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जहाँ में एक भी चीज़ अगर तुमको पकड़ में आ जाए तो तुम बोल सकते हो कि बंदा चीट कर रहा है। वेल गाइस, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, बिकॉज आपका ओपिनियन मैटर करता है। देन गाइस, अपनी नेक्स्ट न्यूज़ है मायावी की। तो रिसेंटली टीम सोल की परफॉर्मेंस जो आ रही है उसका रीज़न क्या है एंड वो सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हुए रिसेंटली जब मायावी एंड टीम सोल का इंटरव्यू लिया गया था तो वहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ें बताई। देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस जो कि बहुत क्लियरली विजिबल है वो हमारा IGL, आई थिंक वो IGL कम एक असॉल्टर है। और अभी भी आप देखो कि MVP की लिस्ट में मान्या मेरे ख्याल से #2 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और एक IGL अगर इस लेवल की असॉल्टिंग करता है तो वही एक सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है। वो कुछ ऐसी चीजें कई बार मैचेस के अंदर कर जाता है जो आउट ऑफ द बॉक्स होती है, कई बार आपने इस टूर्नामेंट के अंदर भी वो चीजें देखी ही होंगी। उसकी असॉल्टिंग अलग लेवल पर है और आई थिंक सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर तो यही है, बाकी सबकी मेहनत है। लाइक हम लोग कमी नहीं छोड़ते किसी भी चीज के अंदर, सुबह से शाम तक का ग्राइंड रहता है और बिल्कुल माइनर्स पर भी काम करते हैं, हर छोटी चीज पर काम होता है, सबका अपना इंडिविजुअली एफर्ट पूरा है जिसका रिजल्ट आई थिंक अभी तक तो अच्छा आ रहा है और उम्मीद करते हैं आगे भी अच्छा है। देन गाइस, रिसेंटली सिड भाई ने कुछ ये ट्वीट किया, नेक्स्ट फ्यू डेज आर गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। अब किस कॉन्टेक्स्ट में या किस चीज़ के बारे में वो बताना चाहते हैं ये तो अभी मेंशन नहीं है, बट कुछ ना कुछ तो होगा, ज़रूर होगा। देन गाइस, अपनी नेक्स्ट एक अपडेट है, जैसे कि आप सबको पता है कि रिसेंटली समय भाई जब स्ट्रीम कर रहे थे तो वहाँ पे मैक्सटन के और पुनीत की लड़ाई होगी, तो क्या सिनेरियोज थे, किस वजह से हुआ, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मैक्सटन भाई बहुत अच्छा जोक मार रहे भाई, जोकर हो गया भाई, वैसे साइड रही भाई, तुम्हें फेमस होने के कितने पैसे।
ट्रिक तो तुम लगाते हो भाई, ट्रिक तो तुम लगाते हो। दीपक भाई, भाई गरीब बच्चे में खाना बांटता, मैं गरीब बच्चे में खाना बांटता, मैं गरीब बच्चे में खाना बांटता, मेरे को सपोर्ट करो। मैं साले इतने चाटे इतने झूठ मारूंगा तेरे मुंह के आगे। आई बोली बोली मैं गरीब बच्चे में खाना बांटता। एक सेकंड सुपरस्टार, मैं गरीब बच्चे में खाना गोल्डी भाई ने कुछ चीजें बताई कि ऐसे 12 में आने वाली वीडियोस बहुत ही क्रेजी होने वाली है। एंड अभी तो मोस्टली इंडोर वीडियोस हमें ज़्यादा देखने को मिलती है एंड कुछ चैलेंज टाइप वीडियोस नहीं होती, मतलब होती है बट एक होता है ना हार्डकोर चैलेंज, वो नहीं देखने को मिलता। तो उस चीज़ के ऊपर रिप्लाई देते हुए गोल्डी भाई ने बहुत सारी चीज़ें बताई कि आने वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फ्यूचर में कभी एडवेंचरस वीडियो, फॉर एग्जांपल 2-3 ग्रुप होंगे एचडी क्रिएटर्स के लिए, लिविंग इन जंगल फॉर 24 आवर्स चैलेंज ग्रुप में ऐसा टाइप की वीडियो, एक बड़ी वीडियो इस अगले महीने 24 आवर्स वाला वीडियो एक सोचा हुआ है, प्लान है वो जंगल वाला। एक बार मैंने सोचा था, अभी तो हुआ नहीं है। मेरे जी मामा की तरह जल्दी होता है। हां भाई घर पे। एंड गाइस इसी स्ट्रीम के अंदर कुछ लोग उनसे सवाल पूछ रहे थे कि ऐसे 12 के अंदर सबसे ज्यादा दमदार बंदा कौन है, मतलब किसके अंदर ज्यादा जान है। तो कुछ ये था, कौन है और तगड़ा कौन है? रेबल सबसे मीठा, बस उसके बाद कुछ नहीं है। तगड़े में गोल्डी भाई की प्रॉपर्टी हाय रे हाय कैसी है। तगड़ा कौन होगा सबसे ज्यादा ऐसे में? तगड़ा क्या होता है? मोटल होगा। मस्कुलर 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 नहीं, जान की जान मस्कुलर स्काउट 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 मोटल मोटल स्ट्रेंथ बहुत है। राधे राधे।